हेलो माय फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो फैमिली, आज कुछ लोग मुझे फर्स्ट टाइम ड्रेस में देख रहे होंगे, बिकॉज आज मैं हो गई थी बहुत ज़्यादा लेट। इस वजह से मैंने सोचा कि फटाफट से हॉस्पिटल जाके ही मैं वीडियो बना दूंगी और वेदर की अपडेट भी दे दूंगी। बट वेदर की अपडेट देने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जिससे रिगार्डिंग मुझे भर भर के DMs आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, लाइव पे भी कल बहुत सारे लोग इससे रिगार्डिंग पूछ रहे थे। तो फैमिली, ये क्वेश्चन था कि हम शिमला कैसे आ सकते हैं, मतलब क्या क्या रूट है जिससे हम शिमला पहुँच सकते हैं। तो फैमिली, आप बाई एयर शिमला आ सकते हो। अगर आप बाई एयर आ रहे हो तो यहाँ पे शिमला का जो एयरपोर्ट है वो है जुबरहट्टी में, वहाँ पे आप लैंड करोगे और फिर वहाँ से आप बाई बस या कैब करके कैसे भी आप शिमला पहुँच सकते हो। सेकंड हमारे पास रूट है वो है बस के थ्रू आप आ सकते हो, जिससे आप पहुँचोगे ISBT जो यहाँ का इंटरनेशनल बस स्टैंड है, वहाँ पे आप पहुँचोगे। वहाँ से आप कैब कर सकते हो या फिर बस भी आती है। अगर आप मॉल रोड रिज वगैरह घूमना चाहते हो, यहाँ से आप कहीं और जाना चाहते हो, तो वहाँ के लिए भी वहाँ पे सारी बसेस अवेलेबल होती है। थर्ड नंबर पे जो है वो है बाय ट्रेन, आप लोग आ सकते हो, ट्रेन के थ्रू आप आ सकते हो। यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है और वो शिमला के मतलब शिमला में ही पड़ता है। ज़्यादा दूर आप सोच रहे होंगे कि ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ से आप कैब भी कर सकते हो या फिर बस से भी आप लोग आ सकते हो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर जब हम शिमला आते हैं तो हम कहाँ पे स्टे करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ओल्ड बस स्टैंड के आसपास आप लोगों को स्टे करना चाहिए। वहाँ से क्या होगा, अगर आप मॉल रिज या फिर जाखू वगैरह अगर आप कुछ भी घूमना चाहते हो तो वहाँ से वो भी इजी रहेगा, या फिर वहाँ से आप कहीं और घूमने जाना चाहते हो तो वहाँ से आप बस ले सकते हो, कैब कर सकते हो, दोनों कामों के लिए इजी रहेगा, है ना। ये सारी हमारी बातें होती है खत्म। अब मैं जल्दी से देती हूँ आपको वेदर की अपडेट। स्नोफॉल से रिगार्डिंग भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। स्नोफॉल अभी नहीं हो रही है शिमला में, जब होगी तो आई विल अपडेट यू गाइज, डोंट यू वरी अबाउट दैट। स्नोफॉल अभी नहीं हो रही है, मौसम एकदम मौसम वाला हो रहा है, मस्त वाली धूप निकली है। मनाली में भी मौसम अभी मौसम वाला हो रहा है, स्नोफॉल अभी नहीं हो रही है। किसी को स्नोफॉल का लुत्फ उठाना है तो वो जा सकते हैं कश्मीर साइड, क्योंकि 25th को कश्मीर साइड में स्नोफॉल के चांसेस बताए गए हैं। बट मनाली और शिमला में अभी नहीं है, जब होगा तो आई विल अपडेट यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप लोगों के पास ऐसे ही वेदर की अपडेट्स आती रहे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय।